सरकार ने कानून बनाए वो तो बिल्कुल गलत बनाए, वो हमारे मोटर मालिक के लिए भी खराब है तो ड्राइवरों के लिए भी खराब है। सरकार ने कानून बनाए वो तो बिल्कुल गलत बनाए, वो हमारे मोटर मालिक के लिए भी ख़राब है तो ड्राइवरों के लिए भी खराब है, क्योंकि जो कानून बनाए उस कानून के तहत कैसे ड्राइवर चले, क्योंकि उसमें यह प्रावधान रखा कि अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना है। ड्राइवर कहाँ से जुर्माना देगा, और अगर भगेगा नहीं तो कोई मार देगी जनता, आग लगा देगी गाड़ी में, उसका कौन जवाबदार लेगा। अभी यहाँ जो जाम लगाया हमने ड्राइवरों को समझाया, अपनी बात दिल्ली तक ऊपर ने पूछा थी, ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, वो ज्ञापन वहाँ पहुँच गया अपना दिल्ली में, दिल्ली ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस का भी फोन आया मेरे पास में, तो ये हमारे पास में सारी सूचना आ गई और एक समिति बनाई है उसके लिए, इसके जो जाँच के लिए भाई कि इसमें कानून में क्या अपन प्रावधान कर सकते हैं, क्या संशोधन कर सकते हैं, ऐसी वहाँ एक समिति बनाई है। अब उसका कल परसों में जवाब आएगा। हमने ड्राइवरों को समझा कि यह कहा भाई 3 तारीख तक आप गाड़ी नहीं चलाओगे, गाड़ियाँ खड़ी रहने, किसी कोई कोई गाड़ी पर जाने की जरूरत नहीं है, हम मोटर मालिक भी हमारी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, और 3 तारीख बाद में जैसे गवर्नमेंट के जो आदेश होंगे उसके अनुसार अपन चलेंगे, क्योंकि ड्राइवर कहाँ से पैसा भरेगा, और अगर ड्राइवर वहाँ से नहीं भगेगा तो उसकी सेफ्टी कौन करेगा भाई, वहाँ पुलिस थोड़ी बैठी है, कोई भी चौराहे पर अगर जाम लग जाता है या कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ कौन छुड़ाने वाला ड्राइवर को, कई जगह ड्राइवरों को मार दिया, कई जगह गाड़ी में आग लगा दी, कई दूसरे आदमी पैसेंजर मर गए, कितना नुकसान हो गया। इसलिए हम तो सरकार से भी ये निवेदन कर रहे हैं कि ये गलत कानून है, इसको वापस लिया जाए और ड्राइवरों को रिलीफ दी जाए, और ड्राइवरों से भी ये निवेदन है कि आप 3 दिन तक हम 3 तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं, आज 1 तारीख हुई है, 2-3 शाम तक अपन इंतजार कर रहे हैं, उसमें क्या अपने को आगे से निर्देश मिलते हैं, उसके बाद में अपने को गाड़ियाँ जाने, उसके पहले सारे मोटर मालिक भी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी गाड़ी पर मत जाओ, कल को कुछ हो जावे तो उसका कौन जवाबदार हुआ, हमारा तो आपसे ही है। और सभी भाइयों से हमने रिक्वेस्ट करी, सबने भाइयों ने हाथ जोड़कर मेरा जो मान सम्मान रखा इसको खोल दिया, सबकी बात रहेगी, कलेक्टर साहब से अपन ने जो भी बात करी, एसपी साहब से, सारों की बात रहेगी, उसके लिए सभी ड्राइवरों को, सभी भाइयों लोगों को मैं धन्यवाद। आज जो मोदी सरकार ने जो काला कानून थोपा ड्राइवरों पर, जैसा पहले किसानों पर थोपा था, हजारों की संख्या में किसान मरे और आखिर में वो कानून वापस लेना पड़ा, उसी प्रकार आज ड्राइवर पर काला कानून थोप के यहाँ भेजा है। और जो ड्राइवरों आज स्थिति ये है, कोई ड्राइवर गाड़ी पर जाता है बेचारा पूरे देश में घूमता है, आज अगर वो गलती से एक्सीडेंट हो जाए और वो रुक जाए तो भी इसको पीट पीट के जनता मार देगी, अगर वो नहीं रुके तो 7 लाख जुर्माना, 10 साल कैद, वैसे मरा हुआ है। तो मेरा ये निवेदन है केंद्र सरकार से, आप इस कानून में संशोधन कर ड्राइवरों को राहत प्रदान करो। आज हम यहाँ समर्थन देने के लिए आए, ड्राइवरों को समर्थन दिया, फिर हमने समझाइश की ताकि आमदन परेशान नहीं, जब तक इनकी मांगे नहीं मांगी जाएगी हम लोग इनके साथ हैं, ड्राइवर भाइयों के साथ हैं।